Good morning, class. This is our new ENA physio class in which today we will study about the anatomy and physiology of remaining portion of female reproductive system. जिसमें एनाटॉमिकली तो लगभग अपन ने सभी चीज़ें कंप्लीट कर ली है. अब थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अपन देख लें. जैसे हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था फेलोपियन ट्यूब और ओवरी पढ़ा था, और ओवरी का हमने पार्ट पढ़ा के उसके अंदर खूब सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं जिसको अपन ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं. उन फॉलिकल्स के अंदर ऊ साइट पाया जाता है और ये ऊ साइट जो है वहाँ से रिलीज़ होता है. तो ये जो ऊ साइट रिलीज़ हो रहा है बल्कि ओवम की फॉर्म में रिलीज़ होता है, उस प्रोसेस को अपन ओव्यूलेशन कहते हैं. तो वो पोर्शन थोड़ा सा अपन आज पढ़ लेते हैं कि भाई क्या होता है आखिर ये ओव्यूलेशन. तो ओव्यूलेशन क्या है? एक मैच्योर ओवम हर महीने ओवरी से फैलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज होता है, इस प्रोसेस को ही अपन ओव्यूलेशन कहते हैं. हम क्या कह रहे हैं कि एक मैच्योर ओवम हर महीने ओवेरियन फॉलिकल से, आप सीधा कह लीजिए फैलोपियन ट्यूब तक तो छोड़ो, ओवेरियन फॉलिकल से हर महीने रिलीज़ होता है और कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जा रहा होता है, फिर यूट्रस में चला जाता है. तो ये जो रिलीज़ हो रहा है ओवेरियन फॉलिकल से, एक मैच्योर ओवम, अनमैच्योर्ड ओवम नहीं रिलीज़ होता कभी भी, मैच्योर ओवम जो रिलीज़ होता है उस रिलीज़ होने के प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं. लगभग 2 लाख से 3 लाख इमैच्योर ओवा जो है बर्थ के समय पर ओवरी में पाए जाते हैं. जब कोई फीमेल चाइल्ड पैदा होती है तो उस बर्थ के साथ ही उसकी ओवरीज, दो ओवरीज पाई जाती हैं, उसमें 2 लाख से 3 लाख इमैच्योर ओवा हमेशा पाए जा रहे होते हैं. अब पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं बाद में प्यूबर्टी की एज में, वो ओवरी से जो है फीमेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं. इन्हीं फीमेल सेक्स हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से ओवा जो है वो मैच्योर होता है और वो रिलीज होगा. मैच्योर होने के बाद ओवेरियन फॉलिकल रप्चर होएगा, ये ओवा रिलीज होगा, रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और वहाँ पर ये 2 दिन तक, क्योंकि मैंने पहले की प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था फैलोपियन ट्यूब के अंदर कितने 48 घंटे तक वो वहाँ पर सर्वाइव करता है. 48 घंटे मतलब 2 दिन तक वो वहाँ पे लाइव रहता है. और अगर उस दौरान कोई स्पर्म वहाँ उस एंटर होता है उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो वो ओवा में एंटर हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा. इसी को अपन फर्टिलाइजेशन या कंसेप्शन कहते हैं कि कंसीव करना, बेबी को कंसीव करना. तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि भाई ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में 1 मैच्योर ओवा का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है. बर्थ के समय हर ओवरीज के अंदर, दोनों ओवरीज में लगभग 2 से 3 लाख तक इमैच्योर ओवा पाए जाते हैं. पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होता है वो ओवरी में फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और ये फीमेल सेक्स हार्मोन ओवा को मैच्योर बनाता है, जिससे कि ओवा फिर रिलीज होगा फैलोपियन ट्यूब में और वो फैलोपियन ट्यूब में 2 दिन तक लाइव रहता है, उसके बाद वो डेड बन जाता है. तो लाइव रहता है और उसी दौरान अगर कोई स्पर्म वहाँ ओवम में एंटर होता है तो ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन या कंसेप्शन कहलाता है. दूसरा पार्ट है मेंस्ट्रुअल पीरियड. अगर वहाँ पर ओवा जब फैलोपियन ट्यूब में 2 दिन तक पड़ा है, अगर वहाँ पर उस दौरान कोई स्पर्म नहीं आया, रिसीव नहीं हुआ, ओवा में एंटर नहीं हुआ, मतलब ओवा अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये यूट्रस के अंदर जा कर के वहाँ पे चिपकता नहीं है, यूट्राइन लाइन से अटैच नहीं होता या यूट्रस की एंडोमेट्रियम से ये अटैच नहीं होता. फर्टिलाइज होगा तो ही अटैच होगा. अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ स्पर्म रिसीव करने के बाद, जब ओवा फर्टिलाइज होता है तो वो यूट्रस में जाकर के यूट्राइन लाइनिंग से चिपक जाता है, जुड़ जाता है, एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है. पर अगर नहीं फर्टिलाइज होगा तो वो एंडोमेट्रियम में जुड़ेगा नहीं, तो उस वजह से यूट्रस के अंदर, यूट्रस के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और वो जो यूटराइन लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम है, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा. इसको अपन क्रैम्प्स कहते हैं कि वहाँ पे क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है. तो देखिए पूरे यूट्रस में ये जो चिपका हुआ होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन जैसे होगा, वो चीज़ चिपकी हुई
अलग हट जाएगी, दूर हो जाएगी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, इसको अपन क्रैम्प्स कहते हैं। और लाइनिंग सर्विक्स द्वारा पास होकर के वेजाइना से होती हुई वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगी, जिसको आप मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। यूट्रस की लाइनिंग, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग इस क्रैम्प्स की वजह से यूट्रस से डिटैच्ड होकर के सर्विक्स के रास्ते से होते हुए वेजाइना में जाएगी, और फिर वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा ये बाहर एक्सपेल्ड कर दी जाएगी, शेड आउट कर दी जाएगी। ये पूरा जो पीरियड है जिसके अंदर ये सब कुछ चल रहा होता है, उसको आप मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं। तो आप देखिए, हर महीने यूट्रस जो है वो प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है कि उसको क्या हो सकता है, भाई इस महीने प्रेगनेंसी हो जाए, तो अपने आप को हर महीने प्रिपेयर करता है। प्रिपरेशन कैसे चलती है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिकेंड बना देते हैं, काफ़ी मोटी फ्लशी बना देते हैं, ताकि फर्टिलाइज्ड ओवा आए तो वो उसको रिसीव कर सके और अपने साथ चिपका सके, अपने साथ जोड़ सके। और अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये ओवा मूव डाउन होएगा, यूट्रस में आएगा। नहीं सॉरी, फर्टिलाइज नहीं हुआ, नहीं पहले तो फर्टिलाइज हो गया, नहीं हुआ हो तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया मेंस्ट्रुअल में। अगर फर्टिलाइज हो गया, कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है भाई, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में। तो अगर ओवा फर्टिलाइज हो गया तो ये यूट्रस में मूव डाउन हो जाएगा और फिर यूट्रस की लाइनिंग में खुद को बरो कर देगा, या उस लाइनिंग को बरो कर देगा मतलब खोद लेता है वो, उसको खोद कर खुद उसके अंदर धंस जाता है। जैसे एनिमल्स अपने मिट्टी के अंदर रास्ता के अपने लिए जगह खोद खाद कर खुद उसके अंदर फिट हो जाते हैं, वैसे ही ये जो फर्टिलाइज्ड ओवा होता है वो यूट्रस की लाइनिंग में बरोइंग करेगा, खुदाई करेगा और खुद उसके अंदर फंस जाएगा, धंस जाएगा जा करके, और विल डिवाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स ओवर 9 to 10 months। और फिर उस ओवा में बहुत सारे मिलियंस ऑफ डिविजन्स पाए जा रहे होते, तो खूब ज़्यादा वो अपने आप को डिवाइड 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 करता रहता है 9 to 10 months तक लगातार, और उस डिविज़न से जाइगॉट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फीटस बनेगा, यानी ग्रोथ पाई जाएगी। थोड़ा सा बड़ा करके इसको देख लें, तो ये देखो येलो कलर की तो ओवरी बताई गई है, और ये जो कोन जैसी स्ट्रक्चर है ये यूट्राइन ट्यूब की फिम्ब्रियल पार्ट है, फिर ये यूट्राइन ट्यूब है, यहाँ यूट्रस के अंदर खुल रही है, यूट्रस की बॉडी, ऊपर फंडस लाइनिंग वगैरह, नीचे सर्विक्स में, सर्विक्स वजाइना में खुल रही है। तो ये पार्ट दिखाया गया है, अब मेंस्ट्रुएशन क्या होता है भाई, यूट्रस की लाइनिंग की शेडिंग के प्रोसेस को अपन मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। यूट्रस की लाइनिंग के शेडिंग प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये यूजुअली 4 to 7 days तक चलता है, ये छोटा भी हो सकता है और ये लंबा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस फीमेल में, उस पर्टिकुलर फीमेल में उसकी इंडिविजुअल साइकिल कैसी चल रही है। कुछ फीमेल्स में थोड़ा सा लंबा चलता है, मतलब 5 to 7 days तक चलता है, कईयों में 4 to 5 days तक, कईयों में 3 to 4 days तक ही चलता है, कईयों में सिर्फ 2 to 3 days तक ही ये साइकिल चलती है। तो ये वेरी करती रहती है, मंथली भी वेरी कर रही होती है, टाइम ड्यूरेशन पे, हेल्थ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, डाइट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, एज पे डिपेंड करती है। जैसे यंग एज में जब मेनार्क हो रहा होता है तो ये थोड़ी सी ज़्यादा लंबी चलती है, मेनार्क के दौरान लंबी चलती है, और मीनोपॉज में भी लंबी चलती है, जबकि इसका जो मिड का पीरियड है, रिप्रोडक्टिव पीरियड, उसमें ये नॉर्मल ही लगभग चल रही होती है। इस साइकिल का रेगुलेशन हार्मोन्स के द्वारा होता है, हार्मोन इसको रेगुलेट करता है, और इसमें लगभग 2 to 3 tablespoons तक ब्लड जो है वो एक्सक्रीट आउट हो चुका होता है। ये हैवी भी हो सकता है, थोड़ा लाइट ब्लड भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा होता है कंडीशंस क्या हैं, उसी के बेसिस पर हम बहुत सारी एबनॉर्मल कंडीशंस पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि एमेनोरिया, डिसमेनोरिया, मेनोरेजिया, मेटारेजिया, ऐसे कई सारी कंडीशंस अपन पढ़ते हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे आपके बाकी सब्जेक्ट्स में आएंगी ये चीज़ें, वो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन को इंडिकेट कर रही होती है। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है, यूट्रस के लाइनिंग के शेडिंग प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, 4 to 7 days तक ये चलता है। रेस्ट ऑफ फ्लो इज अदर टिश्यू, अब मैंने बताया एक तो यूट्रस की लाइनिंग आ रही है, 2 to 3 spoons इसमें ब्लड होता है, और इसके अलावा जो फ्लो है उसमें दूसरे टिश्यूज भी होते हैं जो दैट मेक्स अप द एंडोमेट्रियम, जो कि एंडोमेट्रियम बना रहे हैं तो वो कुछ और टिश्यूज भी इसके अंदर जड़ जड़ा करके गिर जाते हैं। ब्लड और टिश्यू जो नीडेड नहीं होता
पर्सन शुड नॉट बी वीक और इल फ्रॉम लॉस, क्योंकि इसके अंदर हमने बोला भाई बहुत सारे टिश्यूज़ की शेडिंग हो रही होती है, ब्लड भी हर महीने 2 से 3 टेबल स्पून तक ब्लड जो है वो निकल जाता है, पर फिर भी इस ब्लड के निकलने से किसी भी तरह कोई वीकनेस नहीं देखी जा रही होती है बॉडी में, या कोई पर्सन इससे बीमार नहीं होता, पर्सन मतलब कोई फीमेल इससे ना बीमार होती है ना उसमें वीकनेस आती है, अगर नॉर्मल उसके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है। अगर हैवी चल रही है तो वो एक अलग कंडीशन है, वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन मानी जा रही होती है, तो उसको फिर देखना पड़ता है कि क्या कंडीशन है, कोई इन्फेक्शन है कि क्या कंडीशन देखी गई है। अब इस पीरियड्स के बाद में साइकिल जो है, जब ये एक पीरियड चल चुका होता है, ये फ्लो वगैरह हो जाता है, मतलब ये मेंसेस जो चल चुके होते हैं उसके बाद वापस दूसरी साइकिल जो है वो अगेन शुरू हो जाती है, जो 28 डेज तक चलेगी, और फिर वापस मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, फिर शेडिंग होएगी, ब्लड लॉस और टिश्यू लॉस होएगा। तो ये जो लॉस हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मेंसेस कहते हैं। इस मेंसेस के बाद में यानी इस पीरियड के बाद में आम भाषा में उसको पीरियड भी कहा जाता है, साइंटिफिकली हम मेंसेस कहते हैं, आम भाषा में लोग इसको पीरियड कहते हैं, पीरियड्स चल रहे हैं, तो पीरियड्स के बाद में साइकिल जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। ये रिप्रोडक्शन देखिए भैया, एडल्ट मेल में टेस्टिस का रोल होता है जिससे स्पर्म जो कि हैप्लॉइड होते हैं वो रिलीज होते हैं। ये टेस्टिस जो स्पर्म को बनाती है सेल डिवीजन द्वारा, वो कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस, जबकि एडल्ट फीमेल में ओवरी मियोसिस के द्वारा ओवम का प्रोडक्शन करती है, वो भी हैप्लॉइड होती है। ये स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाते हैं जो कि डिप्लॉयड होता है, और इस जाइगोट का डेवलपमेंट जो है वो माइटोटिकली उसमें डिवीज़न पाया जाएगा, माइटोसिस के द्वारा इसकी ग्रोथ होती है, और फिर एडल्ट मेल या फीमेल या पर्सन जो है वो बनेगा। ये रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस है। अब लास्ट पार्ट भी देख लें, मैमरी ग्लैंड्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट मैमरी ग्लैंड्स। ये स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जो स्पेशलाइज स्वेट ग्लैंड्स होती है क्योंकि ये मिल्क का प्रोडक्शन करती है, इसलिए हम इसको स्पेशलाइज स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग सीक्रेटरी सेल्स जो होती है वो बल्ब शेप्ड चैम्बर्स की वॉल बना रही होती है। मिल्क प्रोड्यूसिंग सीक्रेटरी सेल्स क्या बनाती हैं, वॉल्स बनाती हैं बल्ब शेप्ड चैम्बर के, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, ऐसे गोल गोल से बल्ब जैसे स्ट्रक्चर उसके अंदर पाई जा रही होती है, वो सीक्रेटरी सेल्स होती है, उसको अपन एल्वियोलाई कहते हैं, जो कि एक साथ जुड़ करके एक डक्ट बना रही होती है। और ये किस फॉर्म में रहते हैं, ग्रेप लाइक फैशन में क्लस्टर बनाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, लॉब्यूल्स कहते हैं। क्लस्टर्स यानी गुच्छे बना रहे हैं, ग्रेप जैसे अंगूर के जैसे फैशन में गुच्छों के अंदर ये अरेंज रहते हैं, और उन गुच्छों को हम उस अंगूर के गुच्छे जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो कि मैमरी ग्लैंड के अंदर भरे हुए उन्हें लॉब्यूल्स कहते हैं। और ये क्या काम करेंगे, मिल्क सीक्रेशन का। ये ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर है भाई, आप देख सकते हैं मसल्स दिखाई गई हैं, ये फैट डिपॉजिट इसमें रहता है, ये मैमरी ग्लैंड्स हैं गोल गोल जो दिखाई दे रही है, जिसको आप एल्वियोलाई कहते हैं। फिर ये एल्वियोलाई किससे जुड़ी हुई हैं, डक्टाइल से छोटी छोटी, और फिर ये बड़ी डक्ट में खुल रही हैं, और डक्ट जो है बाहर डक्ट ओपनिंग के द्वारा निकलती है। तो ये देखिए हम जो मैमरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ब्रेस्ट की यहाँ दी हुई है, पीछे मसल दिखाई गई है, ब्रेस्ट के रीजन के अंदर फैट डिपॉजिटेड रहता है, ये बड़े जो लॉब्यूल्स है मैमरी ग्लैंड है जिसको आप एल्वियोलाई कहते हैं, ये छोटी छोटी डक्टाइल में खुलती है, और डक्टाइल जो है बड़ी डक्ट में खुलती है, और डक्ट जो है आगे जाकर के एक थोड़ी सी ब्रॉड स्ट्रक्चर में खुल रहा है, जिसको आप रिजर्वॉयर कहते हैं, यहाँ पर टेम्प्रेरी मिल्क जो है वो रिजर्व रहता है, और फिर ये डक्ट ओपनिंग के थ्रू बाहर निप्पल से निप्पल में खुल रहे होते हैं, निप्पल से बाहर रिलीज होता है मिल्क जो है तब जब बच्चा सकिंग कर रहा होता है। और इस निप्पल के चारों तरफ का एरिया थोड़ा सा डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है, जिसको एरियोला कहा जाता है। तो ये ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर है, वैसे तो हमने ये डिटेल में अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया था, वहाँ मैंने इसको डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर दिया था, तो मुझे नहीं लगता आपको और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, बाकी आप अपने बुक से पढ़िए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे लॉब्यूल जो होते हैं फिर जुड़ करके असेंबल होकर के एक लोब बनाएंगे, और हर एक ब्रेस्ट के अंदर सिंगल मैमरी ग्लैंड में 15 से 20 ऐसे लोब्स पाए जाते हैं। खूब सारे लॉब्यूल्स मिलकर लोब्स बना रहे हैं, और 15 से 20 लोब्स मिलकर के मैमरी ग्लैंड बना रहे होते हैं, जो हर ब्रेस्ट में पाए जा रहे होते हैं।
लैक्टिफेरस डक्ट्स जो हैं वो इस लोब से बाहर निकलती हैं, आगे जाकर के वाइड हो जाती है, लैक्टिफेरस साइनसेस बनाती हैं, और ये जो साइनसेस हैं इसी को अपन लैक्टिफेरस रिजर्वॉयर भी कहते हैं, क्योंकि ये टेम्परली मिल्क को जो है अपने अंदर रिजर्व करके रखते हैं। और जब बच्चा जैसे ही मुंह टच करता है ब्रेस्ट से, तो ये रिजर्वायर से मिल्क जो है वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मिल्किंग प्रोसेस है, लैक्टेशन का प्रोसेस ये कहलाता है, कि लैक्टिफेरस साइनसेस जो कि वाइड माउथ का वाइडन एरिया होता है। अब ब्रेस्ट जो है फीमेल्स में प्यूबर्टी के बाद एनलार्ज होना स्टार्ट होती है, उसमें जो एडिपोज टिश्यू है जिसको फैट टिश्यू कहा जाता है ये प्रोलिफरेट होना स्टार्ट होंगे, जिससे कि ब्रेस्ट का एक्सपेंशन स्टार्ट होएगा, एनलार्जमेंट स्टार्ट होगा। और इसमें जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स पाए जाते हैं ब्रेस्ट के अंदर, वो अंडरलाइंग फेशिया से जुड़ करके इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट। तो ब्रेस्ट फीमेल्स में प्यूबर्टी के बाद एनलार्ज होना स्टार्ट करती है, इसके एडिपोज टिश्यू प्रोलिफरेट करके ब्रेस्ट को एक्सपेंड करते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट फेशिया से जोड़ करके इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स और मेल में ये मैमरी ग्लैंड्स और डक्ट जो होती है वो फुली डेवलप नहीं होती, केवल प्रेगनेंसी में ही फीमेल्स में डेवलप होती है, उससे पहले ये डेवलप नहीं होती, इसलिए कोई मिल्क सीक्रीशन नहीं चलता, लैक्टेशन का कोई प्रोसेस नॉन प्रेगनेंट स्टेट के अंदर नहीं चलता, केवल प्रेगनेंसी के दौरान चलता है। तो बस इतना सा ही टॉपिक है। इसके बाद यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अब थोड़ी बहुत कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे को पढ़ने हैं, तो हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर उन सबको पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है।